इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट के लिए एक बड़ी ही खुशाइंद खबर आ गई है कि इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं वो एलिजिबल हैं थर्ड टेस्ट के लिए। जब से वो बीचिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है, जो बिल्कुल ही किसी किस्म का मुझे समझ लगा ये किस किस्म का रूल था, लेकिन उसके बावजूद अब जो इंडियन प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और बाकी जितने भी प्लेयर्स थे और जो कोचिंग स्टाफ थे उन सबके टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गए, और ये बड़ी खुशाइंद बात है, और वो सिडनी टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। रोहित शर्मा पर बड़ी निगाहें थी, रोहित शर्मा को हर कोई टेस्ट में देखना चाहता था, तो बड़ी खुशाइंद बात है कि रोहित शर्मा भी टेस्ट में एलिजिबल होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जिस तरह इस बात को जितना वेवेला मचाया, मुझे नहीं समझ लगी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इस तरह क्यों किया। शायद उनसे दूसरी हार जो मेलबर्न टेस्ट की थी, बॉक्सिंग डे टेस्ट की, वो हजम नहीं हुई, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह उनको फेंटा डाला था, तो शायद उनसे ये बात हजम नहीं हुई, और इतनी ज्यादा उनको हजम नहीं हुई कि उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन हेल्थ मिनिस्टर ने आगे कह दिया, इफ द इंडियंस डोंट वांट टू प्ले बाय द रूल्स डोंट कम। यानी कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हो, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ मिनिस्टर जी कह रही है कि अगर इंडिया रूल्स के मुताबिक नहीं खेल सकता तो इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया ना आए। तो भाई आपने रूल्स कौन से बनाए हुए हैं, और कोई रूल नहीं तोड़ा, वो तो बाहर बैठे हुए थे सारे खिलाड़ी, आपने पहले तहकीक अपनी तरफ से नहीं की, आपने आके पहले ही इतने बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और एक पूरे मुल्क को आपने एक किस्म का आपने पूरे मुल्क को नुकसान में जाया, क्योंकि ये सिर्फ 5 खिलाड़ियों की बात नहीं थी बल्कि पूरे इंडिया की बात थी। तो जो भी है, जो गलत है वो गलत है। अगर खिलाड़ी बाहर बैठे हुए बाहर बैठ के खाना खा रहे थे और ड्रिजलिंग हुई और उन्होंने कहा आप अंदर बैठ के खाना खाओ, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी फानियत आ गई कि पूरा इतना बड़ा इन्होंने बवेला मचा लिया कोविड 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 कोविड। तो ये मुझे समझ लगी कि खिलाड़ियों के खाने से क्या, आप मुझे बताएं बाहर खाना खाएंगे अगर 5 बंदे चेयर लगा के तो उधर कोविड नहीं आएगा, लेकिन अंदर खाना खाएंगे तो कोविड आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अजीब रूल्स बनाए हैं, बिल्कुल भी SOPs बिल्कुल भी पूरी दुनिया में कहीं भी SOPs नहीं है कि अंदर बैठ के खाना नहीं खा सकते, बाहर बैठ के खाना खा सकते हैं। यहाँ तो ये रूल होता कि हर खिलाड़ी जो है वो अलग अलग खाना खाएगा, इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते, ये बात समझ लगती है कोविड के रूल्स के मुताबिक। लेकिन ये बात समझ लगी फिर भी खिलाड़ी जो थे वो बाहर ही बैठे हुए थे और बाहर बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन वो फिर ड्रिजलिंग हुई, बारिश हुई, तो उन्होंने फिर उनको अंदर कह दिया आप अंदर बैठे खाना खा लें। लेकिन इसका ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जितना चर्चा बनाया, ये नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच की हार हजम नहीं हो रही, तो अभी तो तीसरा टेस्ट मैच भी पड़ा है, चौथा टेस्ट मैच भी पड़ा है, तो इंडिया तो सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया को बासानी हरा सकता है। जिस तरह इंडिया की टीम अभी लग रही है, जसप्रीत बुमराह इस टाइम इंडिया के पीक बॉलर नजर है, उमेश यादव जो है वो भी नजर आ रहा है कि उमेश यादव जो वो वापस आ गए इंडिया क्योंकि उनको बेबी हुआ है, तो नटराजन जो है वो डेब्यू करने जा रहे हैं। वसीम अकरम ने नटराजन को बड़ा हाई रेट किया हुआ है, और वसीम अकरम नटराजन के बारे में ये कह चुके हैं कि नटराजन जो है वो दुनिया क्रिकेट में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा बॉलर। तो ये नटराजन के बारे में वसीम अकरम का कहना है एक बड़ी बात, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। बाकी जसप्रीत बुमराह बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन इस टाइम अपनी पीक पर लग रहे हैं, इतनी अच्छी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया में मैंने रविचंद्रन अश्विन की नहीं देखी जितनी अभी की हुई है। स्मिथ को तो बिल्कुल उन्होंने खेलने नहीं दिया रविचंद्रन अश्विन ने। तो ये इंडिया की अभी पूरी टीम लग रही है, जो इंडिया की जो चेंजेस लग रही है वो लग रहा है कि इंडिया, एक तो रोहित शर्मा आएंगे, रोहित शर्मा का तो कंफर्म हो गया कि रोहित शर्मा आएंगे पृथ्वी शाह की जगह पर। इसके अलावा जो लग रहा है कि हनुमान बिहारी की जगह पे शायद की जगह बन जाए, और हनुमान बिहारी की जगह पे शायद जगह बन जाए KL राहुल की, और KL राहुल को जगह मिल जाए। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं कह सकते कि KL राहुल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन रोहित शर्मा जो है वो तो कंफर्म है कि वो खेलेंगे। तो इंडिया की टीम भी बड़ी बैलेंस लग रही है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम की एक खुशाइंद बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर जो है वो वापस आ गए हैं, तो देखते हैं आज डेविड वार्नर के आने से क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बॉलिंग दोनों तरफ बड़ी जबरदस्त और बैलेंस है, तो टेस्ट मैच का मजा आएगा। 7 जनवरी से ये टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है सिडनी में, और ये बड़ा टेस्ट मैच है, इस पर बड़ी निगाहें हैं। जिंकी रहाणे कैप्टनसी करेंगे, तो दूसरी तरफ टीम पेन कैप्टनसी करेंगे, तो देखते हैं ये टेस्ट मैच कौन जीतता है। तो नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक ज़रूर करनी है, शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।